हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब आप बाइक चलाते हो तो आपके व्रिस्ट या जो आपका हैंड है, ठीक है, आपके या उंगलियां है, वो सब दर्द करती है। तो आप जब बाइक चलाते हो तो आपको ये व्रिस्ट पेन या फिंगर पेन नहीं हो, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। एक और वीडियो है मेरे पास जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अवॉइड नी पेन जब आप बाइक चला रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका पोजीशन है, ठीक है, जो आपका सिटिंग पोजीशन है, अगर आपका रिस्ट पेन हो रहा है या हैंड, जब आप बाइक चला रहे हो तब ये आपका हैंड पेन हो रहा है, तो उसका मतलब ये है कि जो आप बाइक चला रहे हो वो टाइम पे आपका सिटिंग पोजीशन ख़राब है। क्योंकि जब बेसिकली आपका हाथ कब दुखता है, जब आपका पूरा प्रेशर जो है बॉडी का वो पूरे आपके हाथ पे जाता है, ठीक है, जैसे यहाँ और यहाँ, अगर मैंने यहाँ पे किया तो मैं बाइक चला रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा कि हाउ टू अवॉइड फिंगर और रिस्ट पेन वाइल्ड राइडिंग ए मोटरसाइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि आपका सिटिंग पोजिशन है वो बाइक पर क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखो बाइक का ये शेप दिख रहा है, तो ये बाइक का शेप दोस्तों एक शो पीस के लिए नहीं बताया गया है या फिर एक स्टाइल के लिए नहीं बताया। हर एक बाइक में ऐसा शेप होता है जहाँ पे आप अपना पैर अच्छे से रख सको। दिख रहा है यहाँ पे परफेक्टली ये यहाँ पे फिट हो गया, तो ये सिटिंग पोजीशन है। अभी मेरे साथ में कोई है नहीं, मैं आपको ये डबल स्टैंड पे करके बता देता हूँ कि सबसे पहले सिटिंग पोजीशन, क्योंकि सिटिंग पोजीशन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। चलो अभी यहाँ पे मैंने डबल स्टैंड पे डाल दिया। अब देखो जब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दिख रहा है आपको, तो ये जो है मैंने ये यहाँ पे परफेक्टली मेरे जो लेग्स है वो यहाँ पे फिट होते हैं, प्लस वहाँ से फिट होने के बाद नीचे जाएंगे तो बराबर वो मेरा जो बोल सकते हैं कि क्लच और ब्रेक और गियर जो है वो फिट करेंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि जब आप यहाँ पे बैठते हो तो आप बैठते हो उसके बाद में आप कैसे, किस तरीके से आप मैनेज करते हो अपने आप को, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको व्रिस्ट पेन का बताऊं तो मोस्टली अगर आप, मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके से बैठते हो, जो कि तरीका बहुत गलत है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से बैठ के यहाँ पे अगर आप बाइक को प्रेस करोगे तो आपका पूरा प्रेशर आगे जाएगा, ठीक है, ऐसा तो आगे जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके हैंड्स पे पूरा का पूरा प्रेशर आएगा। आपने ये जो क्लच है, ये जो हैंडल है वो इस तरीके से पकड़ के रखा है कि जैसे आप ब्रेक मारोगे तो आपको पूरा प्रेशर ये हैंड और ये हैंड पे जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका हैंड पेन होना ही है। अगर मैं नॉर्मली अंदर से ये ग्लव्स निकाल के देखूँ तो देखो मेरा हाथ लाल हो गया है, क्योंकि मैंने अननेसेसरीली प्रेशर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप बेसिकली जो है वो सही तरीका क्या है, बेसिकली जब आप बैठते हो तो ये जो आपका हिप है, ठीक है, ये यहाँ पे हिप दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं, मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ये जो हिप है बेसिकली, ये हिप, ठीक है, और ये जो आपका पैर है, ठीक है, ये जो है वो पैर है, ठीक है। तो आपको ये पैर से प्रेस करना है और आपके जो फ्यूल टैंक है उसको पकड़ के रखना है सबसे पहले जब आप ब्रेकिंग करते हो तब। तो अगर आप इस तरीके से जैसे अभी यहाँ पे है, इसको आप पूरा फुल फ्री रखिए, देखिए जैसे कैसे अभी ये पूरा एकदम फ्रीली घूम रहा है, दिख रहा है, एकदम फ्रीली घूम रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। तो अगर जैसे आप यहाँ पर ब्रेकिंग करते हो तो आपको ये प्रेस करके रखना है, ऐसा नॉर्मल आप फ्री बैठो, आप चलेगा इसे फ्री बैठते हो तो, ठीक है, आप नॉर्मली फ्री बैठो और जैसे ही आपने ब्रेक प्रेस किया, चाहे वो फ्रंट ब्रेक हो या बैक ब्रेक लगा के आपने ब्रेक किया है, कहीं पर भी किया है, तो आप बेसिक सबसे पहले ना इस तरीके से आपके फ्यूल टैंक को पकड़ के रखो, जो पूरा का पूरा आपका प्रेशर है वो आपके हिप पे आएगा, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि आपके बैक पे आएगा। तो जिस तरीके से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए उसको भी, क्योंकि आप अगर बैक पर डालोगे तो आपका कमर दुखने लगेगा। तो बेसिकली जैसे आप पूरा सिटिंग पोजीशन अगर इस तरीके से रखोगे, जैसे आपने ब्रेक प्रेस किया तो मैंने ये ऐसे प्रेस कर दिया, दिख रहा है, तो मेरा पूरा प्रेशर जो है वो आगे नहीं जा रहा है, अभी मैं यहीं पर अटक जाता हूँ, तो मेरा पूरा प्रेशर जो है वो मेरा बाइक पर जाएगा, जिससे तीन चीज़ होगा। सबसे पहले तो आपको ब्रेकिंग पावर या स्टॉपिंग पावर सबसे अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको मैं ये बोलता हूँ कि आपके हाथ में जो या फिंगर में जो है वो पेन नहीं होगा। तीसरा चीज़ जो ये है कि आप ज़्यादा टाइम तक ड्राइव कर पाओगे, मोस्टली ऐसा होता है, मैंने बहुत बार देखा है कि 5 से 10 मिनट बाद लोग बोलते हैं कि अरे यार मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। इवन मेरा जो दोस्त है, जब मैं उसको सिखा रहा था तभी भी, फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि वो एक्चुअली जब ब्रेकिंग कर रहा है तो पूरा का पूरा उसका प्रेशर, जो बॉडी का प्रेशर है वो उसके हाथ पे आ रहा है और हाथ से हैंडल पे जा रहा है। तो दोस्तों हैंडल बेसिकली टर्निंग लेने के लिए बना है, आप उसको जितना भी लाइट और जितना भी उसको फ्री रखोगे उतना सही आपको वो काम करेगा। तो हमेशा जब आप बाइक में ब्रेकिंग प्रेस कर रहे हो तो आप अपने बाइक के लेग्स को इस तरीके से पकड़ के रखो, जिससे मतलब जैसे अभी देखो यहाँ पर है तो अचानक से मैंने ब्रेकिंग किया तो मैं इस तरीके से उसको पकड़ के रखूँगा,
ठीक है। इसका एक और फ़ायदा है, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आप क्या बता रहे हो, पर ये एक नेसेसरी पार्ट है। जब बेसिकली आप गर्मी में और बारिश के टाइम पे मैंने देखा है मोस्टली जब आप बाइक चलाते हो तो आपके जो पैर है उन दोनों पैर के बीच में यहाँ पे, ठीक है, बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होता है कि पसीना आता है और पसीने के वजह से वहाँ पे इरिटेशन होता है और वो इरिटेशन की वजह से आपको खुजली आता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए तो बेसिकली मैं आपको बोलूँगा कि एक पाउडर आता है, आप वो पाउडर यूज़ कीजिए अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो। पर अगर आप ब्रेकिंग इस तरीके से यूज़ करोगे ना तो हवा जो है, देखो अगर आप इस तरीके से बैठे हो तो ऑब्वियसली आपका जो आप नी भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे यहाँ पे पूरा और यहाँ पे हवा भी नहीं लगे। लेकिन अब अगर थोड़े इस तरीके से बैठते हो तो यहाँ से जो हवा आएगा वो आपके पर्टिकुलर जो लेग के जो पार्ट है वहाँ पे हवा चला जाएगा और उसके वजह से आपको कभी भी पसीना और वहाँ पे इचिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा और स्किन रैशेस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है वो भी कभी नहीं होगा। तो पहले दोस्तों जब मैं स्टार्टिंग में बाइक राइड करता था तब मुझे ये प्रॉब्लम होता था, पर मैंने फिर इसके बारे में देखा, सर्च किया, कुछ लोगों से पूछा तो मुझे पता चला कि ये चीज़ है। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस किए जाते हैं, इस तरीके से आप देखो तो आपके रिस्ट पेन भी नहीं होगा। और जैसे मैं पहले अगर आपको बोलूँ तो मैं पहले दोस्तों सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर के बाद मेरा हाथ बहुत दुखने लगता था और बेसिकली बहुत ये होता था। तो मैंने इसके लिए बहुत ट्राई किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि ये एक्चुअली जो मेरा सेटिंग पोजीशन है वो ख़राब है, ट्विस्टर में ये प्रॉब्लम था, ट्विस्टर जब मेरा जूना बाइक है वो। उसके बाद में जब मैंने ये लिया तब इसमें भी मुझे जिक्सर में भी थोड़े से प्रॉब्लम हुए थे स्टार्टिंग में, फिर मैंने वो चीज़ निकाल दिया। तो जब मैंने ये पूरा प्रैक्टिस किया तो यहाँ पे वो चीज़ सही हो गया। अब मैं जिक्सर पे, लास्ट टाइम जैसे मैं तानसा लेक गया था जो कि कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, पर वो रास्ते में मुझे बीच में कभी भी हैंड या रिस्ट पेन का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्लस दूसरा चीज़ है, अगर आप पोजीशन बराबर रखोगे तो आपको यहाँ पे एंकल जो है उसका भी आप बोल सकते हो कि एल्बो जो होता है उसका भी आपको पेन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो कोनी है उस कोनी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आज दूसरा चीज़ ये भी है कि हाँ, अगर जैसे आपके बाइक के जो हैंडल्स के यहाँ पे जो इसको क्या बोलते हैं, हैंडल की जो ग्रिप आती है, ठीक है, वो भी कभी कभी ऐसे होती है कि बहुत स्ट्रांग होती है, तो कभी कभी उसके वजह से भी मतलब आप सब चीज़ मैंने जो बोला वो कर रहे हो लेकिन फिर भी कभी कभी पेन हो रहा है। तो उसका रीज़न ये भी है कि आप ऐसा ये जो हैंड ग्रिप कवर जो है वो आप लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ये कवर दोस्तों, मैंने अभी अभी लगाया है, आप बोल सकते हो 2 हफ्ते इसको हो गए, और इसको लगाने के बाद जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ऑसम है, ठीक है। तो मतलब इसके बाद जो पहले मतलब कभी कभी प्रॉब्लम के वजह से कुछ प्रॉब्लम के वजह से रिस्ट पेन थोड़ा सा होता भी था तो वो भी टोटली अवॉइड हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लगाया, ये बहुत सस्ता है दोस्तों, ये मैंने कुछ 30 रुपये में लिया था दोनों, और वो बंदा आपको लगा के भी देगा। तो ये आप है, आप यूज़ कर सकते हो ग्रिप कवर, इससे आपको थोड़ा सा पकड़ भी सही मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कि जब आप बेसिक जब बाइक चला रहे हो तो आपके ग्रिप में भी मतलब आपके हैंड्स में भी पेन नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब आप बाइक चला रहे हो यहाँ पे तो आप इसको इतना टाइट मत पकड़िए कि आपको प्रॉब्लम हो, एकदम लाइट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ पे एकदम लाइट है, देखो अगर आप इसे टाइट पकड़ के रखोगे तो फिर ये बहुत टाइट हो जाएगा आपका हैंडल भी, ठीक है। तो आप इसको एकदम हल्के से पकड़ लिए, जैसे हर एक चीज़ जो है एकदम हल्के से एकदम स्मूथ बटरी तरीके से, अगर जैसे मैं आपको बोलूँ तो आप अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप कैसे पकड़ते हो इस तरीके से आप पकड़िए इसको बहुत स्मूथली है, ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पर सिर्फ पकड़ लिया, ठीक है, अभी कुछ लोग कुछ गलत मीनिंग भी करेंगे, तो जैसे आप एकदम स्मूथ तरीके से पकड़ते हो उस तरीके से आप पकड़ ही लीजिए इस चीज़ को और बस आप अब फिर बाइक ड्राइव कीजिए। अगर इसके बाद आपको रिस्ट पेन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बोल सकते हो तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, पर आप अपना जो डाउट है वो उसको पूरे डिस्क्रिप्शन में लिखें, ठीक है, तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलिए दोस्तों, आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो पे लाइक करना मत भूलिएगा। मैंने पिछले वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट रखा था, अब इस वीडियो में मैं 150 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। अगर मुझे ज़्यादा लाइक्स मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ पे उतने ही ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करते रहूँगा। ये प्रोफेशनल सीरीज़ का 3रा वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू अवॉइड रिस्ट पेन। पहले इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्रेक कैसे करते हैं प्रॉपरली, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दूसरा वीडियो क्या था मैं भूल गया, पर बेसिकली मैंने आपको 2 वीडियो बता दिए हैं और ये 3रा वीडियो है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्ट पेन कैसे अवॉइड करना है। इसके आगे भी मेरे पास और प्रोफेशनल सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ये अपने दोस्तों को जितने हो सकते उतने ज़्यादा शेयर कीजिए सो वो भी बहुत अच्छे से बाइक चला पाए, सीख पाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और
बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया था कि आप यूज़ कर सकते हो बांधना, जो आपका सर को और आपके बाल को बचाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल है, ये जो है वो बांधना है। मैंने इसको करीब 90 रुपीज़ में लिया है। तो ये एक है, एक सैम्पल है, और इसके अलावा एक और भी है जो आप बेसिकली देख बोल सकते हो कि एक और तरीके का भी आता है। ये बेसिकली पॉलिस्टर का है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है और ये आपके सर पे आ जाएगा। अगर आपको दूसरा लेना चाहते हो तो आपको एक बेसिकली रुमाल टाइप भी मिलता है, तो एक वो भी होता है। तो आप ये बांधना को कैसे यूज़ करोगे? बेसिकली बहुत सिंपल है, आप इसको बस जैसे नॉर्मल चीज़ों की तरह पहन लीजिए। आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो पहनने के बाद। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको दूसरा यूज़ करना है तो आप इसको एज अ कैपिन यूज़ कर सकते हो। इसको ऊपर करके इसको बस घुमाओ, और फिर घुमाने के बाद आप इसको इसे प्रेस करके रख दो। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो ट्राई। तो ये दो तरीके के आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और बहुत सारे इसके यूजेस हैं, पर बेसिक आपको जैसे सही लगता है आप वैसे यूज़ करो बेसिकली। और यूज़ करने के बाद इसको मैं अगर बोलूँ कि जैसे आज मैंने यूज़ किया, आज अभी मैं पसीने से हो सकते कि ये बांधना मेरा गीला हो गया, तो मैं इसको धोने के लिए दे दूँगा कल, मतलब शाम को ऑब्वियसली, या कल मेरी मॉम इसको धोएंगे। मेरे पास एक और है तो मैं इसको एक और बांध के चलूँगा। अगर आपके पास कॉटन वाला है, कॉटन वाला रहेगा तो मैं आपको कॉटन वाला बांधना रिकमेंड करूँगा, वो बहुत ही सही है। तो आप कॉटन वाला ट्राई कर सकते हो। मेरे पास ये है पॉलिस्टर का जो मैंने अभी लिया है, ये कुछ दूसरा टाइप है, और मेरे पास कॉटन वाला बेसिकली क्लॉथ वाला है। आप दोनों में से जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो चलिए, थैंक यू।